तक ईवीएम रहेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी अपना आंकड़ा लगा रही है, ठीक है, ईवीएम बिल्कुल हटानी है और ब्लड पेपर चुनाव होना है। क्या कहना चाहेंगे आज? हम चाहेंगे हमारे राहुल गांधी की सरकार बने, राहुल गांधी की 24 में, 24 में राहुल गांधी की ही सरकार आएगी 2024 में राहुल गांधी। बाकी बीजेपी का जो दावा चला है साफ होगा बीजेपी का, जिस किसानों के लिए जो सरकारी आवाज उठा रही है किसान अभी आंदोलन पे है, युवाओं की आवाज, किसानों की आवाज, नौजवानों की आवाज, देश की आवाज, सिर्फ राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया, इस वक्त राज चौधरी के साथ मैं विमलेश कुमार। इस समय जो है हमारे सामने तमाम लोग हैं, और कहाँ से हैं आप लोग? मैं IIM ट्रांसजेंडर समुदाय की राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा है उसका सम्मान और स्वागत करने के लिए हमारा किन्नर समुदाय भी आया है, और हम उनका स्वागत करते हैं कि जो न्याय यात्रा, जो इनकी यात्रा निकली है वो सफल हो और 2024 में एक ईमानदार सरकार बने और गठबंधन की सरकार बननी चाहिए। कहाँ से चल कर आए हैं आप लोग? हम लोग बनारस से आए, बनारस से चलकर यहाँ पहुँचे हैं। क्या देखा जाए तो यहाँ जो है राहुल गांधी जी की उपस्थिति है, जहाँ राहुल गांधी हमेशा किसानों के बीच, ड्राइवरों के बीच, उन मजदूरों के बीच जाने का काम कर रहे हैं। ऐसे कि वो देखिए, वो ऐसे मसीहा हैं कि जो लोगों के बीच जा रहा है, लोगों की परेशानी, लोगों को दुख दर्द समझ रहा है, पर आज की जो सरकार है वो क्या कर रही है उनको तो समझ में आना चाहिए ना। उनके उद्देश्य की राहुल गांधी सीख लेना चाहिए कि वो क्या है, एक किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, और एक नेता होकर उसके पास जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। और ये न्याय यात्रा सफल होगी और 2024 में एक ये सरकार बनने जा रही गठबंधन की। अच्छा, 2024 में ये गठबंधन की सरकार, राहुल गांधी की सरकार चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल, जहाँ ये सरकार दावे कर रही है, जो बीजेपी सरकार की जो है डबल इंजन की सरकार, और आगामी 2024 में भी ये सरकार कायम रहेगी, तो क्या माना जाए? देखिए, अभी आपने जाने रहे कि अभी पिछली बार आपने देखा होगा कि हमारे किन्नर समुदाय चुनाव लड़े थे, उसमें यही बीजेपी वाले 3 बार रिकाउंटिंग कराए। जब ये हार गए, जब इनसे नहीं रहा गया, तो ये कह रहे थे कि नहीं, आप लोग हार गए। और जो हम लोग बिल्कुल निर्दल चुनाव हम लोग लड़े थे, और तब भी यही बीजेपी के लोग 3 बार रिकाउंटिंग हम लोगों से कराई, ठीक है, और लास्ट में हमारे प्रदर्शन के बल पे, हमारे क्रांतिकारी के बल पे वह चुनाव हम लोगों ने मुगलसराय का चेयरमैन का जीता। मतलब 2024 में देखा जाए तो कहीं ना कहीं पिछले चुनाव के बादले जो है जबरदस्त मुकाबला। जब तक ईवीएम रहेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी अपना आंकड़ा लगा रही है, ठीक है, ईवीएम बिल्कुल हटानी है और ब्लड पेपर चुनाव होना है। क्या कहना चाहेंगे आज? हम चाहेंगे हमारे राहुल गांधी की सरकार बने, राहुल गांधी की 24 में, 24 में राहुल गांधी की ही सरकार आएगी 2024 में राहुल गांधी। बाकी बीजेपी का जो दावा चल रहा है साफ होगा बीजेपी का, किसानों के लिए जो सरकारी आवाज उठा रही है किसान अभी आंदोलन पे है, युवाओं की आवाज, किसानों की आवाज, नौजवानों की आवाज, देश की आवाज, सिर्फ राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी। बाकी दूसरा कोई नहीं, बाकी कोई नहीं, कोई नहीं है सर, राहुल गांधी ही 24 में आएंगे। अभी आप देखिए, अभी ईवीएम वाला मुद्दा है वो भी उठेगा जब इनको पता चलेगा 2024 में कि हमने क्या किया था। चलिए, पब्लिक के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस वक्त जो है जहाँ ये कांग्रेस के कार्यक्रम को लेकर बड़ा जो है उपस्थिति है, और जहाँ तमाम लोगों की प्रक्रिया सामने आ रही है, तो इसी बीच जो है जिलाध्यक्ष साजिद हुसैन खान जी है, आज चंदौली में आप लोग का आगमन हुआ है, और इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, यात्रा ये सफल है। आज जो राहुल गांधी जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं इस देश के लिए, इस जनता के लिए, युवक के लिए, श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए, ये न्याय यात्रा हमेशा सफल रहेगी। और ये न्याय यात्रा यहाँ से होते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में 20 जिलों से गुजरेगी, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर पुणे में जाकर समापन होगा। तो जहाँ तक लगता है कि समापन होते होते पूरे हिंदुस्तान की जनता, जो जिसको न्याय चाहिए, जिसको रोजगार चाहिए, किसानों का जो कर्जा माफी है, जो NSP लागू कराना है, ये सारा राहुल गांधी जो है अपने मेन्यू में बनाए हैं, रखे हैं जी। लेकिन फिलहाल जो सरकारें हैं अभी बिजली बिल को लेकर और किसानों को लेकर तमाम योजनाएं पारित की है, क्या लग रहा है कि सरकारों में जो योजनाएं पारित है किसानों के लिए, गरीब कल्याण के लिए तमाम योजनाएं हैं? देखिए, बीजेपी जो वादा करती है पूरा कहाँ करती है, वो तो कहती है कि तो जुमला है, जुमला जो है हर जगह नहीं चलता है ना, जुमलेबाजी से थोड़ी सरकार चलता है। आज राहुल गांधी किसके लिए लड़ रहे हैं? पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं, पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारों के लिए लड़ रहे हैं, श्रमिकों के लिए लड़ रहे हैं, और उनकी उनके कंधे से कंधा मिला करके पूरे हिंदुस्तान के लोग चल रहे हैं, और ये न्याय यात्रा हमेशा सफल रहेगा। आप कहाँ से? चंदौली जिला, चंदौली से। आज चंदौली में राहुल जी का आगमन पहली बार हुआ है? हाँ, पहली बार। क्या कैसा महसूस हो रहा है आप लोग के बीच में, आपके नेता उपस्थित हुए हैं? अच्छा महसूस हो रहा है। जो सरकारें चल रही है, सरकार के बावजूद आप लोग जिस सरकार में चाहते हैं कि वो सरकार बने,
तो आज इस बात को लेकर कितना आप लोग की खुशियां जाहिर है कि 2024 को लेकर चुनाव में क्या होने वाला है? 2024 में कुछ बदलाव होने वाला है और अच्छी सरकार आने वाली है। नवयुवक की सरकार आने वाली है, किसान की सरकार आने वाली है, बेरोजगार की सरकार आने वाली है। आप क्या बताना चाहेंगे? 2024 में सरकार कांग्रेस की बनाएंगे, हम गरीब मजलूम हाँ एकदम मिलकर के बनाएंगे। अच्छा। हाँ, दमदारी से जो ये सरकारें वर्तमान है जो अभी किसानों के लिए तमाम सुविधाएं पारित की है, यह सरकार निकम्मी है, इस सरकार को हमको हटाना है। यह सरकार हमारे गरीब मजलूम लोगों के हितैषी नहीं, हमारे गरीब लोगों के खून पीने वाली सरकार है। सर, सबसे पहले अपने परिचय बता दीजिए। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है। कहाँ से? मैं बनारस में महासचिव हूँ जिला कांग्रेस कमेटी। आज राहुल जी के इस कार्यक्रम में आप लोग की उपस्थिति हुई है, 2024 का लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, क्या तैयारी है, किस तरह से? हम लोग जीत रहे हैं, चारों तरफ न्याय का माहौल है और हमारे राहुल जी न्याय यात्रा निकाले हैं, हम लोग जीत रहे हैं। और क्या लग रहा है कि जो न्याय यात्रा निकला है ये 2024 में ये कार्यक्रम बेहतर होगा? बिल्कुल बेहतर होगा, बिल्कुल बेहतर होगा। जनता समझ रही है कि हर फ्रंट पर महिलाओं के साथ, बेरोजगार युवकों के साथ, हर तरह का। अभी तो कल एक अन्याय हुआ है, पहले के योद्धा जब दो लड़ते थे तो किसी का तलवार गिर जाता था तो दूसरा जो है उसको तलवार अपनी देता था तब लड़ता था, और यहाँ ये अडानी अंबानी और चाइना और नीरव मोदी सबसे इलेक्ट्रल बांड ले करके और वो रुपया जमा कर रहे हैं और कांग्रेस की खाता ये सीज कर दिए हैं। अच्छा। तो ये हर जगह ये अन्याय का ये लड़ाई, किसान आंदोलन भी शुरू हो गया है जो बॉर्डर पे लोगों को रोका भी जा रहा है। हाँ, ये किसान की दुश्मन सरकार है। अच्छा। ये किसानों की भूमि अडानी को देना चाहती थी, ये नहीं दे पाई है, और किसान ने एक साल से ऊपर धरना प्रदर्शन दिया था, इन्होंने समझौता किया था, माफी मांगी थी जनरल कायर ने, माफी मांगने के बाद लेकिन आज तक 2 साल हो गए, उस पर जो समझौता किया था उस पर अमल नहीं किया, उनको MSP नहीं दिया और उनकी और भी कई मांगे हैं। चलिए, जैसा कि आपने देखा कि 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर जो बड़ी सरगर्मी बढ़ गई है।